perfect. आज मैं फिर से ट्राई करने वाला हूँ खीर बनाने वाला. लास्ट टाइम बनाया था अच्छे से नहीं हुआ था उसका वजह से, बूबू का वजह से. तो आज मैं बनाने वाली हूँ अच्छे से फिर से. हम लोग का दूध इधर ही मिल गया, अभी उधर जाना नहीं पड़ेगा. दूध है दूध, खीर बनाएगा खीर. चल चल ऑलरेडी एक कोकोनट को कट के रखा है ये लोग, देखो. मैं कटने वाला हूँ ड्राई फ्रूट फ्रूट्स को छोटा छोटा. बुबू कट रहा है नारियल, क्योंकि इस पर नारियल भी डालने वाला हम लोग. और दे आर एक्साइटेड, दे आर सिंपली एक्साइटेड, क्योंकि कुछ तो कट रहा है बोल के एक्साइटेड. कोकोनट निकल रहा है ये लोग. कोकोनट पसंद है ना, ऐसे होता है कोकोनट कटने से. ये लोग मेरा ये हो गया, उसके बाद ये किशमिश और ये बादाम और ये कोकोनट में अभी कट रहा हूँ छोटा छोटा. अभी पीने वाला हूँ कोकोनट वाटर. आ रहा है क्या देखो तो. इतना मीठा नहीं है बट अच्छा है. फ्रेश मिल्क, बादाम, फ्रेश कोकोनट मिल्क. मेरे पास ये मिल्क तो है, दिस गाय का मिल्क. मैं और कोकोनट मिल्क बनाने वाले हूँ. इससे घिस के ऐसे 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 करके स्क्वीज करके मिल्क को निकालूंगी. मेरे पास वो ग्राइंडर वगैरह का भी है, तो इसी से ही काम चला लूँगी. बनाते हैं लोग इसी है ना, इसको लेके ये जो छोटा है इसमें ऐसे 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 करूँगी. सो ऐसे स्क्वीज करने से, पानी डाल के स्क्वीज करने से निकल जाता है ना. और मैं यहाँ पे राइस बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दूध में ही पकाया था राइस, तो बहुत मतलब ये हो गया था, दूध ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था ऐसे. इसलिए मैं पहले पानी में राइस को ऑलमोस्ट पकने दूँगी और उसके बाद दूध अलग से यहाँ पे गर्म करूँगी, उसके बाद सब इंग्रेडिएंट डाल दूँगी. ऐसा देख लो गाइस, ऐसे बना के अभी यहाँ से भी मिल्क निकलेगा. कोकोनट मिल्क मैं ऐसे बनाते रहती हूँ, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम मेकिंग कोकोनट मिल्क. आई मैंने पूरा नहीं डाला है, बस थोड़ा सा ही. ग्राइंडर में पीसने से अच्छा होगा बट आई डोंट हैव, सो लेट्स मेक इन अ लोकल स्टाइल. बस दो मिल्क हैं, दिस इज कोकोनट मिल्क और दिस इज काउ मिल्क. सो मैं ये दोनों को उगलने दूंगी. इसको उगा रही हूँ, ये पकने वाला है ऑलमोस्ट. पहले मैं इसको बॉयल करने दूंगी. गया है तो अभी मैं ये डालने वाली हूँ कोकोनट मिल्क. मेरा ये खाना भी हो गया है, गल गया है, तो अभी मैं इधर चावल को डाल दूंगी. ऐसा अब ये हो गया, मैं इस पे डालूंगी शुगर. ये अभी मिल्क एंड द राइस इज गोइंग टुगेदर. दिस इज हाउ यू हैव टू कुक. और ये कोकोनट जो मैंने मिल्क बनाया था इसको डाल देगा. ये ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, काजू, थोड़ा सा गुटा नारियल. हम भी इसको 10 मिनट पकने देगा साथ में. मैंने इधर मिल्क निकाल के रखा है थोड़ा सा, ये कम होगा तो बाद में डाल देगा. यहाँ पे भी है, लास्ट टाइम मैंने सब मिल्क एक साथ में डाल दिया था तो नहीं बना था अच्छे से. तो यू नीड टू प्रिपेयर, बॉयल होने का बाद निकाल के थोड़ा रख दीजिए ऐसा. इसको
10 मिनट पकने देंगे। द मेन इंग्रेडिएंट, मेरे को पाउडर नहीं मिला इसलिए मैंने पीस के डाल दिया, ये है इलायची। इलायची डालने के बाद ही कलर एकदम सुंदर हो जाता है। मेरा मिल्क सब ठीक है, आई विल ऐड दिस नाउ। मैं अभी ये सब ऐड कर दूंगी इसमें, और बचा हुआ बादाम, किशमिश, ये थोड़ा सा नारियल, कोकोनट। जितना फ्रूट मुँह में घुसेगा उतना अच्छा लगता है। अभी इसको मैं अनादर 2 to 3 मिनट रखूँगी। वैसे ये हो गया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो इस बार देखता है क्या है, बोलता है इरुम्बा निकल रहा है इतना। गर्म नहीं थे बोले, नाइस ना। कुछ कंप्लेन है लास्ट टाइम का जैसा? इस टाइम बहुत अच्छा बना है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, देखो कितना अच्छा बना है इस टाइम, एकदम परफेक्ट। माय टाइम, माय टर्न टू ट्राई इट बिकॉज़ इट्स सो गुड। इस टाइम बहुत अच्छा बना है, एवरी टाइम। लुलु वो गेट में हुआ है ना राजा, इसलिए अंदर घुसने मन नहीं हो रहा है। अंदर घुसा करके इधर गया, भाग के अंदर आया, फिर कहा एक भागा पता साइड वैसे भक्के फिर वापस गया, लाइन मार रहा है राजा को। तुम्हारा बहुत थैंक यू करता हूं, सब रो करते हो।